हाय टीम, मेरा नाम प्रकाश कुमार है और मैं HDFC सेल्स प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता हूँ, नेहरू प्लेस ब्रांच, न्यू दिल्ली। हाय, मैं पंकज कुमार पासवान हूँ। मैं 1 अगस्त 2022 को HDFC सेल्स ज्वाइन किया हूँ, कोलकाता सॉल्ट लेक ब्रांच में। हाय, मेरा नाम है सचिन विश्वंबर जाधव और मेरा लोकेशन है नवी मुंबई उल्वे। हेलो एवरीवन, थैंक्स टू HDFC सेल्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम जी प्रशांत फ्रॉम टोली चौकी ब्रांच, हैदराबाद। मैंने HDFC सेल्स ज्वाइन किया अप्रैल 2022 में और मैंने अपने चौथे महीने में ही 6.7 करोड़ का डिसबर्समेंट किया। अक्टूबर महीने में मैंने 5 करोड़ डिसबर्समेंट किया था और 3 फाइल मेरा सैंक्शन हुआ था। टोटल डिसबर्समेंट जो मेरा हुआ था वो 6.86 हुआ था, जिसमें से सैंक्शन जो केसेस हुए थे वो एक 7 से 8 केसेस सैंक्शन हुए थे। I have done my average disbursement 6.47 crores in the month of April 2022, which is 5th month from my joining. In the same month, I have done 2 lines and 1 sanction. मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि मैं बिना होम लोन बैकग्राउंड होने के बावजूद ना मैंने सिर्फ हाई डिसबर्समेंट किया बल्कि अपने सोर्सेज के साथ एक अच्छा रिलेशन रखा। इनिशियली मुझे HDFC के द्वारा ट्रेनिंग दी गई, उस ट्रेनिंग और नॉलेज को मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया और फील्ड में जाके नए नए सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया और अपने टीम मैनेजर एरिया मैनेजर्स के साथ प्रोजेक्ट्स डिस्कस करा और केसेस डिस्कस करा और बिग टिकट साइज के जो केसेस हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया। इसी बदौलत मैं इतने कम समय में 6.7 करोड़ का डिसबर्समेंट कर पाया। मेरा 6 सोर्स मेरे एक्टिव है और मैं डेली बेसिस उनको विजिट करता हूँ और उनको जब विजिट करता हूँ मैं एकदम फ्रेंड की तरह मैं उनसे रिलेशनशिप बनाता हूँ ताकि वो मुझे फाइल दौड़ते, ऐसे मेरे को फाइल मिलता है। मेरे पास जो टोटल सोर्सेस थे जिसमें सोर्सेस एक 10 से 15 सोर्सेस थे, डेली विजिट करता था मैं हर एक सोर्स को और जो भी बाउंडिंग बना है मेरा वो सोर्स के साथ वो टोटल हर वीकली जो भी विजिट होता था मेरा वो विजिट की वजह से वो टोटल जो भी मेरा BSA का या फिर बिल्डर्स का जो भी बाउंडिंग बना है वो विजिट की वजह से बना हुआ है। आई हैव 3 एक्टिव सोर्सेस, ऑल 3 आर बिल्डर्स। यूजुअली आई विजिट टू माय सोर्सेस on a regular basis. With them support only I have done highest disbursement number. मैं अपने सभी दोस्तों को जो HDFC सेल्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो भी ट्रेनिंग में सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और अपना 100% का एफर्ट दें। और सबसे ज़रूरी बात कि आप रिलेशन, आप जो भी सोर्स से मिल रहे हो उसके साथ अच्छा रिलेशन रखोगे तो वो आपको काम देगा। रिलेशन सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, तो आप जो भी सोर्स से मिलो उसके साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से आना चाहिए आपके पास, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज की बहुत कमी होता है यहाँ पे। जो एग्जीक्यूटिव बाहर जाते हैं ठीक ठाक प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता, प्रोडक्ट स्पीच नहीं कर पाएंगे आप। और ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग कीजिए, सोर्स विजिट कीजिए, बिल्डर विजिट कीजिए, BSA से टच में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। और जो कस्टमर है उनको ठीक ठाक सर्विस दीजिए ताकि वो आपको दूसरा कस्टमर दे सके। और अपने मैनेजर से पूछिए कि कैसे अच्छे सोर्सिंग कर सकते हैं आप। और टोटल मैंने जो ज्वाइनिंग होने के बाद जो मैंने सोर्स बनाए हैं न्यू सोर्सेस कुछ तो एक 8 से 10 सोर्सेस मैंने बनाए थे और प्रॉपर उनके पास डेली विजिट होता था मेरा और विजिट होने के कारण मुझे उनके पास से फाइल आया। फाइल जैसे ही आया मैंने वो प्रॉपर उनको लॉगिंग करके सैंक्शन करके डिसबर्समेंट करवाया। इसकी वजह से BSA जो नए BSA जो मेरे पास जो बने थे उनको प्रॉपर मेरे ऊपर फेथ हुआ और आगे भी मेरे को वो कंटिन्यू वैसी फाइल देंगे और बिजनेस वैसी होता रहेगा। The support of all my managers and the guidance, I have done my best. Area mapping on a daily basis and maintaining a healthy relationship with all the sources can get a consistency business. Thank you all.